नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के गगसीना गांव के पास ये तस्वीरें हैं। गगसीना से मूनक जाते हुए की रोड आपको दिखाई दे रही है, जहां पर आप देख सकते हैं आसपास के गांव के तमाम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही यहां पर एक 24 से 25 साल के नौजवान का शव मिलता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जो नौजवान था उसके परिवार के जो तमाम लोग हैं, उसके भाई हैं, उसके पिता हैं, वो मौके पर यहां पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल जो मूनक थाने की पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंची थी, डायलेक 112 की जो टीम है वो मौके पर पहुंची थी, एफएसएल यहां पर साक्ष्य जुटाने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल एफएसएल की टीम यहां से रवाना होती हुई जरूर दिखाई दी, लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं जो परिवार के लोग हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं। आप परिवार से ही हैं? चाचा लगता ही है। चाचा लगता क्या बोलो, क्या नाम है इनका? जो इसका बीरू। बीरू, हाँ। क्या हुआ, क्या है? ये 3 तारीख को लापता था जी, और यहाँ पर इसकी मोटर बाइक मिली थी, और ये कबाड़ चुकता फिरे था यहाँ। आज इसकी हम लाश मिली। लाश किसने देखी? इसने देखी है, उसके साथ। आपने देखी थी? क्या नाम है आपका? हाँ, जी कबाड़ फूल का काम करते हैं। कबाड़ फूल का काम करते हैं हम। ये परसों अपने 12-1 बजे वाले कबाड़ ठाने आए थे यहाँ पे, बैग में इसकी वहाँ खड़ी थी, फिर यहाँ में इसको देख के अपने घर आया नहीं है, बैग को उठा के पुलिस ले गई, इसकी छानबीन करवाई है इसकी, इसकी छानबीन करवाई है। फिर हमने परसों बाद में ना वहाँ के आगे हमने आप छानबीन करी है, हमने मार से मिला करवाई थी मूनक थाने में। तो शव देखकर क्या लग रहा है, कपड़े वगैरह हैं शव के ऊपर? हाँ जी, यहाँ हाँ ये कपड़ों के ऊपर सारे नाले में गिरे हुए। हाँ, इसे नाले में। ये भी देखो पुलिस में केस जा रहा है, ये भी देखो आगे पास्ट मोड होगा, फिर पता लगेगा इसमें क्या होया क्या। आप लोगों को क्या लगता है क्या मामला हो सकता है? ऐसे क्या पता नहीं लगता, लेकिन पास्ट मोड के बाद में पता लगेगा इसका भी क्या होया क्या। हम तो बता नहीं सकते ऐसे। आप देख सकते हैं कि डेड बॉडी को यहां से लेकर जाया जा रहा है, डेड बॉडी को यहां से लेकर जाया जा रहा है, और शव वाहन में बॉडी को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मर्चरी हाउस में रखवाया जाएगा। पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर ये मामला किससे जुड़ा हुआ हो सकता है। आप भी परिवार से हैं तो आप देख सकते हैं आसपास के। आप आंटी परिवार से हैं आप? क्या नाम है आपका? जयदा। कौन लगते हैं आप ये? नानी। हाँ। क्या मामला आपको लग रहा है, लापता थे ये? बस जी, मतलब ये दिन तैयारी करने आया था परसों, फिर हमने बतेरी ढूंढ डांड करी, कोई पता नहीं लगे इसका, यहाँ पे भी ढूंढ करे, यहाँ पे कपड़े और ये चप्पल आप देख सकते हैं जी। हाँ, पर जी यहाँ हमारे को कुछ नहीं मिला, बैग मिली है, बच्चा आज ही मिला। निकाला किसने है नाले से? निकाला किसने था नाले से? उनके परिवार ने निकाला, परिवार वालों ने निकाला। तो ये चप्पल और जो ये पैंट आप अभी देख रहे थे, एक परिवार के सदस्य ने ही उतारी, और खुद नाले से अपने परिवार के सदस्य का जब उन्होंने शव देखा तो उनसे रुका ना गया, और उन्होंने खुद वीरू के शव को बाहर निकाला, और उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंच जाती है, और ऐसे में पुलिस से भी एक बार पूरी जानकारी ले लेते हैं कि क्या कुछ मामला सामने आया है। तो आप देख सकते हैं मूनक थाना से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र जी, क्या जानकारी मिली थी जिसके बाद यहां पर आना हुआ? ये कल आए थे लोग हमारे पास गाँव रेल कला के, भाई इनका लड़का मिसिंग है, तो आज इन्होंने भी तलाश की, पुलिस ने भी तलाश की थी, आज इनकी बॉडी मिल गई है। क्या नाम युवक का? इसका नाम बीरू है। बीरू, क्या उम्र वगैरह क्या है? 25-26 साल का लड़का है, और ये कबाड़ चुकने का काम करता है, और हमारे को लगा जैसे ये कबाड़ चुकता चुकता ना अचानक से पैर स्लिप हो गया, इसमें गिर गया, या इसको करंट लगा, ऊपर तार थोड़ा का, या करंट का ही मामला है सर, या हत्या का भी मामला? नहीं, हत्या की तो सामने आ नहीं रही, क्राइम टीम ने भी चेक कर लिया, लग नहीं रहा। एफएसएल भी मौके पर पहुंचे जी। अब क्या आगे की कार्रवाई? पोस्टमार्टम करा रहे हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा भाई कैसे मौत हुई है। परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, लड़ाई झगड़ा? नहीं नहीं, वो भी ये कह रहे भाई ऐसी कुछ नहीं है, वो भी कोई झगड़ा नहीं है किसी के साथ, ये तो इत्तेफाक से ही हुई है मौत। नाले में गिरी हुई मिली थी? हाँ 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 जी, नाले में निकाली, नाले में से। ये तो इन्होंने परिवार वालों ने निकाला, पुलिस ने निकाल लिया, और फोन कर लेगा, पुलिस कर रही है सारी कार्रवाई। तो
तो आप देख सकते हैं कि मुनक थाने की पुलिस की टीम। सर, दो दिन पहले कोई बाइक वगैरह भी मिली थी यहाँ से? हाँ, बाइक मिली थी, नजदीकी है, 500 मीटर पे बाइक थी। यार, ये कबाड़ा चुभने का काम करता है, ये बाइक खड़ी करके कबाड़ा कबाड़ा चुभने के चक्कर में इधर आया था और इसकी वजह से हो गया। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस ने हालांकि मिसिंग की जो रिपोर्ट है वो जरूर दर्ज की थी और ऐसे में पुलिस अपनी कार्रवाई भी कर रही थी, लेकिन इसी बीच जाकर बीरू का शव बरामद हो जाता है, जिसके बाद परिवार वाले, आप देख सकते हैं परिवार वालों के ऊपर दुखों का पहाड़ जरूर टूटा है, लेकिन ऐसे में आप ये समझिए कि मामला जो परिवार वाले हैं कभी वो कह रहे हैं कि हत्या का मामला हो सकता है, शायद चोटों के भी निशान है, लेकिन फिलहाल पुलिस का ये दावा है और पुलिस का ये कहना है कि करंट लगने की वजह से ही शायद बीरू की मौत हुई है, क्योंकि कूड़ा चुगने का जो काम है वो करते थे, क्योंकि पेशे से कबाड़ी थे। और ऐसे में आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पर बीरू का शव बरामद होता है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं 24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।